नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ स्कीम का जहां छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है, वहीं अब इस स्कीम के विरोध की गूंज राजनीतिक गलियारों में भी गूंजने लगा है। तभी तो अग्निपथ स्कीम के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल नेताओं के द्वारा अस्पताल चौराहा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूंक कर अपना विरोध प्रकट किया। इस दौरान राजद नेताओं ने कहा कि जब देश का राजा व्यापारी हो जाता है तो जनता भिखारी हो जाता है। हालात यह है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारी है तो हिंदुस्तान की जनता भिखारी हो गई है। इसमें खास करके नौजवान और युवा जो सेना में जाकर जाते हैं और देश के लिए सेवा कर रहे हैं, उन लोगों के लिए भी कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली लेने का काम सरकार कर रही है। 18 साल में युवा बहाली और 22 साल में ही रिटायर हो जाएगा। इसे कहा जा सकता है कि चढ़ती जवानी विधवा हो जाएगा। रिटायरमेंट के बाद कोई पूछने वाला भी नहीं रहेगा। जिस दिन पार्टी के तरफ से दिशा निर्देश जारी होगा, राष्ट्रीय जनता दल खुलकर इन छात्रों के हित के लिए मैदान में उतरने का काम करेगी। अस्पताल चौराहा पर पुतला दहन के दौरान उस वक्त अजीबोगरीब वाकया हुआ जब बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा की काफिला अस्पताल चौराहा से गुजर रहा था। उसी दौरान कार्यकर्ताओं की नज़र विजय कुमार सिन्हा के काफिले पर पड़ी तो राष्ट्रीय जनता दल कार्यकर्ताओं ने काफिले को देखकर पीएम मुर्दाबाद के नारेबाजी की। जब देश का राजा व्यापारी हो जाता है तो जनता भिखारी हो जाता है। हालात यही है, नरेंद्र मोदी व्यापारी है, संपूर्ण हिंदुस्तान की जनता भिखारी हो गया, जिसमें खास करके नौजवान युवा जो सेना में जाते थे उनके परिवार इस बात का खुश रहते थे कि हमारे घर से सेना में जा करके देश की रक्षा कर रहा है, उन लोगों के लिए भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पर बहाली देने का काम किया। 18 साल में युवा बहाली में जाएगा और 22 साल में रिटायरमेंट, इसको ऐसा कहा जाए कि चढ़ती जवानी विधवा हो जाएगा और रिटायरमेंट के बाद उसको कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। आप लोग विरोध कैसे कर रहे हैं? हम लोग विरोध कर रहे हैं नौजवानों को। अभी तक पार्टी के हिसाब से मोरल सपोर्ट करना है। जिस समय हमारा पार्टी ने कहा कि उन तमाम बेरोजगारों को खुल करके मैदान में साथ देना है तो राष्ट्रीय जनता दल संपूर्ण रूप से सड़कों पर नजर आएगा और ये कानून भी वापस हो जाएगा। आज माननीय तेजस्वी जी के आदेशानुसार युवा राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पूरे राज्य में अग्निपथ जो कानून लागू किया है नरेंद्र मोदी, उसके खिलाफ में हम लोग नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया हूँ और यह लड़ाई हमेशा जारी रहेगा। जो ये अग्निपथ कानून है वो जो 4 साल के बाद लड़कन क्या करेगा, 4 साल की नौकरी के बाद उसको रिटायर कर दिया जाएगा, घर भेज दिया जाएगा, उसके खिलाफ में हम लोग धरना और ये पुतला दहन किया हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी, जय लालू जी।